वेलकम टू युवान लॉ इंस्टीट्यूट। एलएलबी थ्री ईयर कोर्स के लिए एमएलएसयू मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके रिगार्डिंग जो यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। लास्ट डेट जो फॉर्म सबमिशन की, इसका फॉर्म की एप्लीकेशन है कल से, यानी 2 मई से आपको फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। 17 जून लास्ट डेट होगी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसका है एंट्रेंस का 6 जुलाई 2024 को होना है। 120 सीट है, वो रेगुलर सीट है एलएलबी थ्री ईयर के लिए। 180 सेल्फ फाइनेंस है, टोटल मिला के 300 सीट्स हैं जिन पे थ्री ईयर एलएलबी के लिए एंट्रेंस होना है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान में। इसके लिए जो स्टूडेंट एलएलबी थ्री ईयर कोर्स में जाएंगे वो ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी बीकॉम बीएससी बीए इनके द्वारा पास आउट हों, और उसमें 45% जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 42% मार्क्स उनके ग्रेजुएशन में ओबीसी एमबीसी नॉन क्रिमिलेयर में होने चाहिए, 40% मार्क्स एससी एसटी इनके स्टूडेंट्स को होने चाहिए। वो राजस्थान स्टेट के हों और आउटसाइड द राजस्थान स्टेट हैं उनको 60% होना चाहिए परसेंटेज ग्रेजुएशन में। एज का कोई लिमिटेशन इसमें है नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म www.mlsu.ac.in पे कल यानी 2 मई 2024 से आपको अवेलेबल हो जाएगा, फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। और स्टूडेंट को अपना साइन और फोटो अपलोड करना है। फीस है वो जनरल के लिए 850 है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी इन कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी कैंडिडेट्स के लिए 850 और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 600 फीस है। पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन रहेगा, इसके अलावा और कोई मोड नहीं होगा। फीस ऑनलाइन सबमिट की जाएगी। एक बार आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद में आपको कोई उसका कॉपी सबमिट नहीं करना ना सेंड करना है। एट द टाइम ऑफ काउंसिलिंग जब आपका नंबर आ जाए, काउंसिलिंग के समय आपके पास में इसकी एक कॉपी फॉर्म की होनी चाहिए, इसलिए फॉर्म फिल करके एक प्रिंट अपने लिए ले लेना ताकि काउंसिलिंग में एग्जाम पास होने के बाद में आपको काम आएगा। एलएलबी थ्री ईयर के लिए मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस जारी किया है उस एक ये ध्यान रखना है, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा, और ये सब्जेक्ट वाइज कितना मार्क्स का वेटेज रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20, हिंदी लैंग्वेज 15 और इंग्लिश लैंग्वेज 15 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर का वेटेज रहेगा एमएलएसयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो इसमें बताया हुआ है। एमएलएसयू का जो 100 मार्क्स का 2 आवर्स का पेपर एलएलबी थ्री ईयर एंट्रेंस के लिए होना है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोडक्शन, इसके साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, स्टेट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज इनके बारे में, और यूनियन और स्टेट यानी पार्ट 5 और पार्ट 6 इनके बारे में, और यूनियन स्टेट जुडिशरी, यूनियन स्टेट जुडिशरी यानी यूनियन जुडिशरी फ्रॉम आर्टिकल 124 to 147, और स्टेट जुडिशरी 214 से 214 से लगा करके 232 ये पूछा जाएगा। यूनियन और स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिलेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ये 7th शेड्यूल इसका इंपॉर्टेंस, और सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, यूनियन और स्टेट की जो सर्विसेज हैं उसके रिगार्डिंग, और 300A राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन स्टेट, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इनके बारे में आपको क्वेश्चन
पूछे जाएंगे, स्टेट और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 308 से 314 से इनके बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 315 में ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315 से लगा के 323 इनके बारे में क्वेश्चन आपसे यूनियन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पूछे जाएंगे। उसके बाद में इमरजेंसी प्रोविजन 352 से 360 और अमेंडमेंट 368, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो 50 मार्क्स का पेपर होना है इसका सिलेबस एमएलएसयू 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस के रिगार्डिंग है। उसके बाद में इसका पार्ट बी है, पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस में जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, करंट अफेयर्स, ये 20 मार्क्स के होंगे। और सी पार्ट में हिंदी जो 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस आने हैं उनमें शब्द रचना, शब्द ज्ञान और शब्द प्रकार, शब्द शुद्धि, व्याकरण कोटियां, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे, परिभाषिक यानी विधिक और प्रशासनिक शब्दावली। उसके बाद में जो 15 मार्क्स का इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आने हैं उसमें टेंसेज, आर्टिकल्स, डिटर्मिनेशन, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, एक्टिव पैसिव, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल्स, एनोनियम्स, सिनोनियम्स और लैटिन मैक्सिम्स, इनके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो ये 15 मार्क्स का इंग्लिश ग्रामर का ये सिलेबस रहेगा, 15 मार्क्स का हिंदी ग्रामर का ये सिलेबस रहेगा और जनरल अवेयरनेस का 20 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स ही हो गए, 15 15 प्लस 20, और 50 मार्क्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर जो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 3 ईयर एलएलबी के रिगार्डिंग, ये सिलेबस है। आप में से किसी को भी कोई और जानकारी चाहिए मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी एलएलबी 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, आप युवान लॉ इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 8306969794, नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ 8306969794 पे आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी बात आप जानना चाह रहे हैं तो युवान लॉ इंस्टीट्यूट में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।